चलो ये पॉपकॉर्न भी रखा है, ये कॉटन कैंडी वाला अचार है क्या ब्रो? अचार और पापड़, आप देख सकते हैं गाइस सारा वैरायटी का अचार है इस जगह पर। एंड साइड आपको पापड़ भी दिखेगा, पापड़ का भी सारा वैरायटी है भैया, देख सकते हैं गाइस। मैं तुम तो टेडी बियर से पूरा खेलता होगा ब्रो बचपन में, क्या ख्याल है बताओ यार? हाँ टेडी बियर से तो खेलते हैं। ओके गाइस आप देख सकते हैं पीछे टेडी बियर का स्टॉल है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नया चीज देखने को मिलता है। ये सारा लकड़ी का सामान है ना, प्लेट्स, लकड़ी का ट्रे, इसमें रोटी रखते हैं सर, कैसरोल है, ये कैसरोल है, लकड़ी का कैसरोल है। काफी सारी क्लॉक्स भी वहाँ पे है, घड़ियां वहाँ पे दिख रही होंगी आपको दीवार पे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी शाम के 6 बज चुके होंगे एंड मैं अभी अपने घर से निकल रहा हूँ। मेरे लोकेलिटी में एक जगह पे मेला लगा हुआ है, तो यार चल के देखते हैं उस मेला में क्या क्या चीज है। जो भी चीज होगा मैं अभी आपको अपने कैमरे के थ्रू जरूर दिखा दूंगा, या वीडियो में जरूर बने रहिए एंड पूरा प्यार देना इस वीडियो पे भी। तो या वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभिषेक अभी इस वक्त बाइक चला रहा है एंड पीछे से मयंक भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यार चलिए देखते हैं कैसा वहाँ का मेला है एंड क्या नया चीज है वहाँ पे देखने के लिए। सो यार लेट्स गो। गाइज आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, बाइक की पार्किंग आपको दिखाई देगी। काफी सारी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है यहाँ पे एंड इस साइड का भी यही नजारा है। काफी लोग आए हुए हैं इधर एंड इधर कुछ फोर व्हीलर भी पार्क किए हुए हैं और छोटा छोटा कुछ स्टॉल लगा हुआ है, चाट कचौड़ी वगैरह अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आप यहाँ पे खा सकते हो। अब आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं गाइज, सीधा वहाँ पे लिखा हुआ है, तो जूम करके दिखाता हूँ यहाँ। ओके गाइज आप पढ़ सकते हैं इंडियन क्राफ्ट बाजार, क्राफ्ट से रिलेटेड आई थिंक ये मेला लगा हुआ है, अभी अंदर जाके हम लोग देखते हैं। ओके गाइज आप देख सकते हैं अभी अभिषेक पूरा सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा है यहाँ पर एंड वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है एंड मयंक भी वही सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा है अभी बाइक का, आप देख सकते हैं। चलो अभिषेक चलो चलो चल भाई। ओके गाइस अभी हम लोग मेला के अंदर जा रहे हैं। ओके गाइस आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सामने कॉटन कैंडी का स्टॉल लगा हुआ है, तो यहाँ चल भी अंदर और देखते हैं। क्या बोल रहे हैं चना वाला के पास सिनेमैटिक शॉट बना, चना का सिनेमैटिक शॉट्स। चलो खाओगे क्या चना? तो घेर रहा है ना वहाँ, चलो देख सकते हैं गाइस एक चना का स्टॉल लगा हुआ है। यह फोन पे का भी सर्विस रखते हैं, सोया काफी अच्छा रहेगा यहाँ से चना खाने में, फोन पे करो और डायरेक्ट चना खाओ क्या जी चलो। किस का कपड़ा रखे हैं भैया? सिल्क कपड़ा है। ओके गाइस आपको कपड़े का स्टॉल है ये, चलो ये पॉपकॉर्न भी रखा है ये कॉटन कैंडी वाला, सही है। और इधर एक आइसक्रीम का भी दुकान है, स्टॉल आप जो कह लो, सॉफ्टी आइसक्रीम। ओके गाइस यहाँ पे क्रॉकरीज का स्टॉल लगा हुआ है, काफी बेहतरीन क्रॉकरीज है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफी अच्छा ही स्टॉल लगा है यहाँ पे, देखने में अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। ये पसंद मतलब कि आप आओगे यहाँ पे तो सामान आपको पसंद आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी का फोटो बना हुआ है पोस्टर में, खादी भंडार, आई थिंक यहाँ पे सारा कपड़ा खादी कपड़ा है ये सारा, देख सकते हो यहाँ पे भी खादी कपड़ा का स्टॉल है। क्या जी बोलो? हाँ ना घूम फिर के आते हैं आप, चलो ना आगे इधर नहीं देखोगे क्या है? जूता वूता कभी स्टॉल लग रहा है कुछ, लेडीज शूज है कहाँ? अच्छा इधर सारा लेडीज का मतलब कि शूज वगैरह एंड कपड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेडीज शूज का दुकान वकान है, हमारे दोस्त हैं लेडीज शू खरीदना चाह रहे हैं। नहीं नहीं खरीदना नहीं चाह रहे भाई, बस हम देख रहे थे, हम बस वीडियो के लिए बस फिर दिखा रहे हो वीडियो भाई, बस वीडियो के लिए हम कर रहे थे और कुछ ऐसा नहीं। मास्क क्यों नहीं उतरना चाह रहा? मास्क उतर सकता है, मास्क क्यों नहीं? देखो आईफोन 12 प्रो रखे हुए हैं, मास्क इसीलिए नहीं उतर रहा बिकॉज COVID-19 का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मास्क नहीं पहना हुआ है, ये भी मास्क नहीं पहना हुआ है, अनोखा छड़ी है, कहाँ रखी हो छड़ी, अनोखा छड़ी। ओके गाइस अब आगे एक्सप्लोर करता हूँ क्या क्या है। हाँ
ज्वेलरी भी है इधर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी स्टॉल है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं। हरीश आसियाना मुंबई ज्वेलरी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, फिक्स्ड प्राइस मतलब कोई भी चीज पे डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे सामान मिलेगा मतलब जो भी आपको ज्वेलरी चाहिए उसमें फिक्स्ड प्राइस है। चलो भाई, पत्थर है बड़ा सा। कुछ ज्वेलरी शॉप यहाँ पे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और घर में कुछ मतलब रोज जो सामान काम आते हैं वो सारा सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका भी स्टॉल लगा हुआ है। ये क्या चीज का स्टॉल है? अचार है क्या ब्रो? अचार और पापड़ आप देख सकते हैं गाइस, सारा वैरायटी का अचार है इस जगह पे। एंड साइड आपको पापड़ भी दिखेगा, पापड़ का भी सारा वैरायटी है भैया, देख सकते हैं। शर्मा जी क्या है ये सब? भी गाइस भैया आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टॉल है। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे बढ़ो। ये टेडी बियर का स्टॉल ओके गाइस, आप देख सकते हैं। वो पांडा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, बहुत ही बड़ा पांडा है वो। हाँ, टेडी बियर नहीं लेना चाह रहे हैं बट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तुम तो टेडी बियर से पूरा खेलता होगा ब्रो बचपन में, क्या ख्याल है बताओ यार? हाँ, टेडी बियर से तो खेलते हैं। ओके गाइस, काफी ज्यादा यहाँ पे टेडी बियर्स वगैरह, फ्लावर पॉट, फ्लावर्स मतलब हर चीज यहाँ पे जो घर में सजाने के लिए जरूरत पड़ता है आपको सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा गाइस। सो यार काफी ज्यादा ही अच्छा ऑसम स्टॉल लगा है इधर, आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ का मेला? अच्छा लगा, काफी दिन के बाद लगा ये क्या? पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आया आप? आपका नाम? नितेश मिश्रा। नितेश मिश्रा क्या ब्रो? चैनल का? अच्छा, मेरा भी चैनल लिख दो। अच्छी टेडी बियर भैया। ये पांडा कितने का है? पांडा 200 रुपए। 200? और वो बड़ा सबसे बड़ा वाला? बड़ा वाला 800 रुपए का है। आप फोन पे भी ले लेते हैं? फोन पे, गूगल पे, गूगल पे सब मिलता है गाइस। अच्छा, यही सामने तो रखा हुआ है स्कैन करने के लिए, QR कोड यहाँ पे है। डोरेमोन लोगे शर्मा? तुमको चाहिए था ना भाई? भाई मेरे पास है। ले लो फिर भी, नहीं चाहिए तो ले लीजिए। नहीं चाहिए। ओके गाइस, आप देख सकते हैं पीछे टेडी बियर का स्टॉल है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मतलब नया चीज देखने को मिलता है। ये सारा लकड़ी का सामान है? नहीं, सब प्लेट्स है, लकड़ी का ट्रे। इसमें रोटी रखते हैं सर? कैसरोल है ये? कैसरोल है, लकड़ी का कैसरोल है। काफी सारी क्लॉक्स भी वहाँ पे है, घड़ियां वहाँ पे दिख रही होंगी आपको दीवार पे। बहुत ही अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैग का भी स्टॉल लगा हुआ है, इवन झोला भी यहाँ पे रखा हुआ है। फिर लड़कियों का सारा चप्पल, जूती जो भी है उनको पसंद आता है सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है। तो या जितने भी लेडीज व्यूअर देख रहे हैं मेरे चैनल पे उनके लिए काफी सुंदर चीज है, आप यहाँ से पसंद करके कुछ भी ले सकते हो। एंड ये घर में रोजाना काम आने वाला झोला वगैरह, सब्जी लेके आना हो या फिर कोई भारी सामान लेके आना हो तो काफी ज्यादा यूजफुल रहता है ये सब झोला। सब आप देख सकते हैं काफी वेरायटी है झोला सबका। लव फूड हेट वेस्ट काफी अच्छा कोट है ये, मुझे बहुत ही पसंद आया ये कोट देखकर। ओके गाइस, आधा ज्यादा चीज हमने एक्सप्लोर कर लिया अभी यहाँ पर। एंड यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं चश्मा का स्टॉल भी है। तो ये काफी ज्यादा ही बहुत ही ऑसम तरीके से यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है, काफी ज्यादा ही अच्छा लगा देखकर। तो यार हर तरह का सामान यहाँ पे आपको मिलेगा गाइस, आप जो सामान यहाँ पे को जो खाने से लेके आपको घर में जो सामान यूज आता है हर तरह का सामान है। तो यार वीडियो में बने रहिए, आगे और भी दिखाता हूँ। क्या लॉटरी से कुछ रिलेटेड है क्या ये चीज? ओके गाइस, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे साइकिल पे 36 नंबर, उधर बर्तन पे 1, 36, 32, 7, 34, 34, 31। उसके बाद एक टीवी भी है, मतलब यहाँ पे लॉटरी वाला कुछ और लगा है, मतलब लॉटरी से आप जीतोगे तो आपको जो नंबर का लॉटरी लगेगा वो सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। ये भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, काफी ज्यादा अच्छा है। और भैया आपका कौन सा फोन है? एप्पल है। क्या फोन? कौन सा फोन? ये 12 प्रो है। चल ना भाई, यहाँ पे बोटिंग का इंतजाम किया गया है, आप देख सकते हैं बच्चे लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। छोटा सा यहाँ पे पॉन्ड सा बनाया गया है प्लास्टिक डालकर। सो यार ये भी कॉन्सेप्ट नया देख रहा हूँ मैं, काफी अच्छा लग रहा है सब देख के, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ का, आपको नजारा कैसा लग रहा है। ओके गाइस, यही था मेला का नजारा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो यार अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एंड अभी भी बाइक में काफी सारी बाइक्स लगी हुई है पार्किंग में, आप देख सकते हैं। ओके गाइस, कैसा लगा यहाँ का नजारा प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे अगर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। सोया मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। सोया जैसा वीडियो बना है प्लीज आप देख लेना, एंड पसंद आए तो प्लीज लाइक करना गाइस। ओके बाय।
never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it like.